हे एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर गुड. स्टूडेंट्स, हम लोग बात कर रहे थे, हम लोग चैप्टर कर रहे थे, चैप्टर 21, और हमने न्यूमेरिकल पोर्शन किया लाइव क्लास में. अब हम थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन जो है वो रीड कर लेते हैं. सो क्वेश्चन नंबर 1 है जी, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर एम्प्लॉइज़ एंड ट्रेड यूनियन. सो अगर हम बात करें कि क्या बेनिफिट है एम्प्लॉइज़ को, तो आपको लगता है कि अगर आप किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखते हैं तो आप एनालाइज कर सकते हैं कि उसका फाइनेंशियल पोजीशन कैसा है, आप उन्हें जज कर सकते हैं. तो सिंपली दे विल जज ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट हाउ मच बॉन्स एंड रेज इन देयर सैलरी इन प्रोबेबल, यानी कि अपकमिंग टाइम में आने वाले टाइमर उनको क्या लगता है कि प्रॉफिट अगर कंपनी का अच्छा हो रहा है, अच्छा खासा हो रहा है, तो डेफिनेटली दे कैन जज कि हाँ भाई, आने वाले टाइम में हमारी भी सैलरी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी. व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर पोटेंशियल इन्वेस्टर्स? पोटेंशियल इन्वेस्टर्स के लिए क्या क्या यूज़ हैं? अब देखिए, कोई भी इंसान जो पैसा लगाना चाहता है, जो कोई भी इन्वेस्टर जो इन्वेस्ट करना चाहता है, उसे कंपनी की बैलेंस शीट की या एनुअल रिपोर्ट्स की अच्छे से स्टडी करनी चाहिए. जो अर्निंग पर शेयर है वो कितना है, प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की कितनी है, उनके टर्नओवर्स कितने हैं, अच्छा जी लाइबिलिटी कितनी है, एसेट कितनी है. तो ये सब स्टडी करने के बाद ही आप किसी भी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करेंगे या बिना सोचे समझे पैसा इन्वेस्ट कर देंगे. तो डेफिनेटली जो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स होते हैं उन्हें फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पता चल जाता है, आइडिया हो जाता है कि इनके लाइबिलिटीज़ कैसी हैं, एसेट्स कैसी हैं, जो नेट प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट है, वो कंपनी का क्या हो रहा है. व्हाट इज़ मिंट बाय द ऑपरेटिंग प्रॉफिट? ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या है? सो द बेनिफिट गेन फ्रॉम द कंपनीज रेगुलर ऑपरेशंस, दैट इज़ ऑपरेटिंग प्रॉफिट. नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ होती हैं बच्चों जो रेगुलर बेसिस पे नहीं होती, तो उन्हें हम बोलते हैं नॉन ऑपरेटिंग. व्हाट इज़ मिंट बाय द इनडायरेक्ट एक्सपेंसिस? गिव एनी टू एग्जाम्पल्स. तो हमें टू एग्जाम्पल्स देने हैं यहाँ पर. सबसे पहले इनडायरेक्ट कॉस्ट आर एनी कॉस्ट दैट आर बोर्न दैट आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोक्यूरमेंट ऑफ द प्रोडक्ट और द प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स. तो यहाँ पर टू टाइप्स के हमें इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो हैं वो हमने नाम देना था. तो एग्जाम्पल है जी सैलरी एंड ऑफिस एक्सपेंसेस. गिव फोर पॉइंट्स ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस. बड़ा आसान है जी. ट्रेडिंग अकाउंट जो है वो एक अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस भी एक अकाउंट है वैसे. और जो पीरियड रहता है ट्रेडिंग अकाउंट का वो पूरा साल है, और प्रॉफिट नहीं, यहाँ पर इन्होंने ये गलत किया है एनालिसिस. यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस की बजाय आप लोग बैलेंस शीट लिख लीजिए, क्योंकि बैलेंस शीट ही है जो स्टेटमेंट है. और प्रॉफिट एंड लॉस को तो हम क्या करते हैं, पूरे साल ही कैलकुलेट करते हैं, लेकिन बैलेंस शीट को हम क्या करते हैं, लास्ट डे करते हैं. ट्रेडिंग अकाउंट में हम अर्निंग और एक्सपेंसेस को कंसीडर कर रहे हैं लेकिन डायरेक्ट, जबकि बैलेंस शीट में हम एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ को रिकॉर्ड करते हैं. अच्छा जी, ट्रेडिंग अकाउंट की मदद से हमें गेन और लॉस पता चलता है, लेकिन बैलेंस शीट की मदद से हमें कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में पता चलता है. व्हाट पर्पसेस डज अ बैलेंस शीट सर्व? क्या क्या बैलेंस शीट हमें क्या क्या बताती है? हमें बैलेंस शीट क्या बताती है कि व्हाट इज़ द फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, कि हमें उसमें पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, करंट लाइबिलिटीज़ कितनी हैं, फिक्स्ड एसेट कितनी हैं, करंट एसेट कितनी हैं. सो ऑल दिस डिटेल्स. सो टू स्टूडेंट्स, आज हमने बात की है कुछ एक क्वेश्चंस की. कल नेक्स्ट वीडियो में हम आगे फर्दर क्वेश्चंस ट्राई करेंगे. टिल देन स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.